नमस्कार, मैं अभिषेक बिहारी न्यूज़ से। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। अगर बाढ़ आए तो घबराए नहीं, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आप उससे बच सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सीमा से सटे जिलों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य की 5 नदियों को खतरे के निशान से ऊपर कर दिया है। भारत में नियमित रूप से आने वाली आपदाओं में बाढ़ प्रमुख आपदा है, जिसका प्रभाव बड़े क्षेत्रों पर पड़ता है। दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ संभावित देशों में से भारत एक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 राज्य बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देश का 1/8 भाग या 40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, जिसमें से 8 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित होती है। भारत की सभी नदी घाटियां बाढ़ के दृष्टि से संवेदनशील हैं। विनाशकारी बाढ़ के मुख्य कारण भारी वर्षा, जल ग्रहण की दयनीय दशा, अपर्याप्त जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए बांधों का टूटना है। मिट्टी के खराब अवशोषण के कारण पानी का रिसाव जमीन की गहरी परतों में नहीं हो पाता, जो बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। मानव द्वारा नदी के किनारे निर्माणित खराब योजना एवं उनका गलत क्रियान्वयन, खराब जल निकासी, गंदे नाले मुख्य रूप से शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। बाढ़ से बचने के लिए आप ये विकल्प चुन सकते हैं। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अपने और अपने परिवार को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखें। इमरजेंसी योजना बनाएं तथा इमरजेंसी सर्वाइवल आइटम्स तैयार करें, ताकि आप कम से कम 3 या उससे अधिक दिन के लिए अपनी देखभाल स्वयं कर सकें। घबराएं नहीं, नाम पढ़कर ज़्यादा सोच में मत पड़ें। इमरजेंसी सर्वाइवल आइटम्स यानी वैसी चीज़ें जो कुछ दिन बिना खराब हुए घर में रह सकती हैं। ऐसी चीज़ों को किसी अच्छे और पानी के पहुंच से दूर रखें, ताकि घर में खाने पीने का सामान, किताबें, कागजाती चीज़ें आदि को सुरक्षित जगह पर रखें। ये सब बाढ़ में किसी भी आपातकाल में काम आ सकती हैं। तेज़ धार में बिल्कुल भी ना जाएं। आप बड़े हैं तो पानी में नहीं जाते होंगे, लेकिन घर और परिवार के छोटे बच्चों का क्या, जो बाढ़ में कलकत करती बहती पानी को पैरों से छूना चाहते हैं। आपके छोटे बच्चों को पानी से दूर रखें। जिस जगह पर धार हो वहाँ खुद ना जाएं, ना किसी को जाने दें। बहते पानी में पैदल बिल्कुल भी ना चलें। बाढ़ के समय ज़रा से भी पानी में आप गिरेंगे तो बह जा सकते हैं। पानी में डूबे रास्तों पर गाड़ी ना चलाएं। अगर सड़क पर ज़्यादा पानी है या किसी नए सड़क से गुजर रहे हैं और उस पर बाढ़ के पानी आ चुका है, तो आगे बढ़ने से पहले पानी का थाह जान लें, कोड़ दूसरा रास्ता ढूंढें। 1 फुट पानी में आप गाड़ी पर नियंत्रण खो सकते हैं। बहती पानी में आपकी गाड़ी अगर रुक जाए तो तुरंत उसे छोड़ पानी से बाहर निकलें। टूटे बिजली के तार से दूर रहें। आसपास गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहें। अगर ये पानी में गिर जाए तो उस पानी में हर व्यक्ति मौत का शिकार हो सकता है। घर में डूबे हुए बिजली के तार से भी ये खतरा है। सांप तथा अन्य जानवर आपके घर में घुस सकते हैं, उनसे सावधान रहें। आसपास के वृद्धों, बच्चों और विकलांगों की मदद करें। बाढ़ की विभीषिका को बचने के लिए अनेक उपाय काम में लाए जा सकते हैं, जिनमें ढाल भूमि पर वृक्षारोपण, नदी तटबंधों का निर्माण, जल निकासी का प्रबंध, जलाशयों का निर्माण, नदियों के प्रवाह क्षमता में विस्तार आदि प्रमुख हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज बिहारी न्यूज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।